लोकसभा 2019 के नतीजों पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज और सपा और बसपा के मजबूत गठबंधन से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा हमारे समर्थकों ने हमें वोट दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी जनता, मुझे अपने समर्थकों पर पूरा भरोसा है और उन्होंने जी तोड़ के हमें जिताने का प्रयास किया है। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन को देखते हुए पूरे देश के अंदर साफ सा सूंघ गया था कि गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी पे निशाना साधते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल था कि अब बीजेपी दोबारा नहीं आ पाएगी और ना ही अपनी सरकार बना पाएगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, उनको अभी और बड़ी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अहंकारी सरकार मनमाने रवैये से अपना काम कर रही है और उन्होंने ईवीएम तक सेट करा दी थी कि कहां पर किसको जिताना है, किसको हराना है, यह उन्होंने पूरा प्लान कर दिया था, जिसकी वजह से गठबंधन को इतनी भारी संख्या में कम वोट मिल पाया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज हमेशा संघर्ष करता आया हुआ है और वो करता रहेगा, लेकिन देश के अंदर वोट हमारा रास्ता हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यहाँ तक उन्होंने कहा। उन्होंने बीजेपी पे फिर दोबारा निशाना छापा और उन्होंने कहा है कि पूरे देश को ईवीएम से बीजेपी ने हैक कर लिया है और हाईजैक कर लिया है पूरे देश को, जिससे बहुजन समाज बहुत ज्यादा खतरे में हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने ईवीएम से इसलिए ही चुनाव करवाना चाहा ताकि अपनी मंशा पूरी हो सके। बसपा ही नहीं, आज तमाम पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही हैं, लेकिन बीजेपी क्यों चाहती है बार बार ईवीएम से चुनाव? उन्होंने कहा कि अगर देश में इसी तरीके से चलता रहा तो चुनाव आयोग से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जब सभी पार्टियां चाहती हैं ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव, तो क्यों नहीं होने देती चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार बैलेट पेपर से चुनावों को? मायावती ने यहां तक कहा कि गठबंधन की जो मजबूत जीत है वो पूरे देश के सर चढ़कर बोल रही थी, लेकिन इन्होंने ईवीएम को बदल कर काफी कुछ बदल दिया और इन्होंने सभी ईवीएम्स को नहीं बदला ताकि जनता के अंदर अपना विश्वास बना रहे और कुछ सीटों को इन्होंने छोड़ दिया। आज सभी लोग, बसपा समर्थक हो चाहे सपा समर्थक हो, सभी लोगों के गले के नीचे से ये बात नहीं उतर रही कि इतना कम वोट बहुजन समाज के लोगों का पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरीके का माहौल ना बनते हुए ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर ध्यान नहीं देता, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में हो सकता है और पूंजीवादी लोगों के हाथ में देश की सत्ताएं चली जाएंगी और गरीब आदमी गरीब ही रहेगा। उन्होंने कहा कि जनता इस तरीके का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं करेगी और वो सूद समेत वापस भी ले लेगी जब जनता का समय आएगा। सपा, बसपा और रालोद तीनों पार्टियां मिलकर चुप नहीं बैठेंगी और इसका पूर्ण रूप से विरोध करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये वाले परिणाम जो बीजेपी को मिले हैं, ये जनता को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं और सारा देश समझ चुका है कि किस तरीके से सत्ता में आई है बीजेपी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।